हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि व्हेन यू शुड ओपन योर क्लिनिक। क्योंकि हर फिजियोथेरेपिस्ट के दिमाग में ना हमेशा बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि हमें अपना क्लिनिक तो खोलना ही है। सो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है इफ यू आर प्लानिंग टू सेट अप अ क्लिनिक ऑफ योर ओन। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिनके बेसिस पे अपना जो क्लिनिक खोलने का डिसीजन है वो ले सकते हैं। सो क्लिनिक खोलने में सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो आता है वो है बिल्ड योर एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क। अब देखो, रही ये बात कि हमें क्लिनिक कब खोलना चाहिए, अपनी बीपीटी के बाद या अपनी मास्टर्स के बाद या थोड़ा टाइम किसी हॉस्पिटल में काम करने के बाद, सो वो एक ना पूरा एक डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने काफी पेशेंट्स देखे हैं, उसका आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है, प्लस आपके नेटवर्क्स काफी अच्छे हैं डॉक्टर्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो आपके एरिया में है जहाँ पे आप क्लिनिक खोलने की सोच रहे हो वहाँ पे, सो ये आपके अगर नेटवर्क काफी अच्छे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ऐड करते हैं जब अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हो। इससे आपकी जो क्लिनिक है उसके सक्सेस रेट में भी बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और अगर आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी रही है। तो एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि कई बार ना पेशेंट्स को भी ना ये एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ, मेरा जो डॉक्टर या मेरे जो थेरेपिस्ट हैं जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं। सो पेशेंट को भी ना अपनी एक सेफ्टी रहती है, हाँ मैं एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास आया हूँ। सो इसलिए एक्सपीरियंस और दूसरा आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लिनिक खोलने से पहले। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि असेस योर मार्केट। जहाँ पे भी आप क्लिनिक खोलने का सोच रहे हो ना, वहाँ पे एक बार पहले मार्केट को असेस करो, वहाँ का एरिया को असेस करो कि वहाँ पे फिजियोथेरेपी की डिमांड कितनी है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी के क्लिनिक कितने हैं, कितने उन पर रोज के पेशेंट आ रहे हैं और वहाँ का जनरल व्यू क्या है फिजियोथेरेपी को लेके, क्या एक्चुअल में वहाँ पे लोग फिजियोथेरेपी की डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे क्लिनिक तो कम है पर जो फिजियोथेरेपी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, सो वहाँ पे आप क्लिनिक खोलना ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। इसलिए अपने एरिया को अच्छे से असेस करें, वहाँ की मार्केट को अच्छे से असेस करें और अपने पोटेंशियल पेशेंट्स को टारगेट करें। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज द फाइनेंशियल रेडीनेस। अब देखो, क्लिनिक खोलने में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने आंखें बंद करी और क्लिनिक खुल गया, वो तो सपनों में ही हो सकता है सिर्फ, है ना। बट रियलिटी में जब हम बात करते हैं तो क्लिनिक खोलना ना खुद में काफी इन्वेस्टमेंट वाला काम होता है। आपको बहुत अपना यू नो फाइनेंसेस लगाने पड़ते हैं एक क्लिनिक खोलने के। अगर आप क्लिनिक रेंट पे रह रहे हो तो आपको वहां पे उसका रेंट भी देना है, देन मोडालिटीज भी आएंगी, चेयर्स भी आएंगी, टेबल्स भी आएंगी, ठीक है, एसी वगैरह आपको वहां पे लगवाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको पहले से ही देख के चलनी है कि आपको आपके फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करने हैं। क्योंकि जब आप इनिशियली क्लिनिक खोलोगे ना तो एकदम से तो ये होगा नहीं आपके आपके पास पेशेंट्स का रश आने लग जाएगा, या फिर आप शुरू के एक हफ्ते या एक महीने में ही बहुत अच्छी अपनी लाखों की यू नो अर्निंग कर लोगे क्लिनिक से, तो ऐसा नहीं होता। क्लिनिक का एक नाम होने में भी ना टाइम लगता है, तो जब तक आपका वो नहीं होता ना तब तक के लिए भी आपके पास आपकी जो सेविंग्स है, जो फाइनेंसेस है वो होने चाहिए। आइडियली क्या होता है ना कि क्लिनिक जब आप खोल रहे हो, सो अगर आप आज क्लिनिक खोल रहे हो तो आज के 6 महीने तक के फाइनेंसेस, आपके मंथली फाइनेंसेस भी और जो आपको क्लिनिक का इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो भी, वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज द सीजनल टाइम। अब देखो क्या होता है ना, कई बार लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं पर्टिकुलर सीजन्स के अंदर। जैसे कि जब नया साल आता है तो बहुत लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर जब वो एक बहुत लंबे हॉलीडे के बाद आते हैं, जब उन्होंने बहुत उनकी डाइट वगैरह सब बेकार हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। तो ये कुछ सीजनल टाइमिंग होते हैं। अगर आप इन टाइमिंग्स के ऊपर अपना क्लिनिक खोलोगे ना तो ये बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो क्लिनिक है उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और आपको इस टाइम पे ना पेशेंट्स का जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपकी लोकेशन या स्पेस का, कि आप कौन से एरिया में, कौन सी लोकेशन पे अपना क्लिनिक खोल रहे हो। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे अपना क्लिनिक खोल रहे हो जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है वाया मेट्रो या वाया ऑटो, मतलब बस वगैरह से भी, कि जो इंडिविजुअल है वो आपके पास आसानी से आ सकता है, मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस का भी रास्ता है तो भी वो बहुत एक्सेसिबल है, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो फुटफॉल होता है, वहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं, अगर ऐसा आपका एरिया है जहाँ पे आप क्लिनिक खोल रहे हो और उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो बहुत हाई चांसेस है कि जो आपका क्लिनिक का सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा लोगों के नजरों में नोटिस आओगे और ज्यादा आपको यू नो नोटिस आओगे तो लोग आपकी तरफ आएंगे भी अपने ट्रीटमेंट के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी लोकेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, बट जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो अंदर का जो स्पेस है ना आपकी क्लिनिक का वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जैसे आप कैबिन्स वगैरह बनवा सकते हो, प्रॉपर कर्टेंस वगैरह होने चाहिए, वेटिंग रूम अलग होना चाहिए, एक चेंजिंग रूम भी होना चाहिए वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो क्लिनिक है वो भी स्पेशियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड है और पेशेंट को एक्सरसाइज करने की ही जगह नहीं मिल रही है, सो इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
आता है क्लिनिक खोलने से पहले वो होता है लीगल एंड लाइसेंसिंग रेडीनेस। तो देखो जब भी आप क्लिनिक खोलते हो ना उससे पहले आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल स्टेप्स होते हैं, वो लेने पड़ते हैं, उसी के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी दिन के अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है ना लीगल, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो अगर आप क्लिनिक खोलने का सोच रहे हो तो ये प्रोसेस भी आप उसी दिन से शुरू कर दो जब आप क्लिनिक खोलने का सोच रहे हो। सो लाइसेंस रेडी होने में भी टाइम लगता है, इसलिए जो भी आपका पेपर वर्क है वो आप पहले से ही ऑन टाइम कंप्लीट कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मार्केटिंग। आजकल की डेट में सबको पता है यार मार्केटिंग करना कितना जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है और आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी भी कोई इतनी अच्छी सर्विस है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को, राइट। सो आप मार्केटिंग कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। आजकल ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, आप वो भी करा सकते हो। प्लस जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वेज हैं आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आप दोनों तरीके से काम करते हो तो जो आपका फिजियोथेरेपी क्लिनिक आप खोलने की सोच रहे हो इसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपका क्लिनिक बहुत ही जोरों शोरों से चलने लग जाएगा। सो मार्केटिंग के अंदर आप डिस्काउंट्स दे सकते हो, ऑफर्स दे सकते हो, जैसे पैम्फलेट्स वगैरह न्यूज़पेपर के अंदर डलवा के वो दे सकते हो। ऑनलाइन को तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स अपने चला सकते हो, राइट। आप पेशेंट्स का रिव्यू बना सकते हो, रिव्यू लेके उनका फीडबैक लेके आप गूगल पर डाल सकते हो, अपनी गूगल पर वेबसाइट बना सकते हो अपने क्लिनिक के नाम से। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां से अपनी जो मार्केटिंग है वो कर सकते हो। और आज की डेट में मार्केटिंग करना जरूरी है, अपने प्रोडक्ट को आपको बेचना आना चाहिए, तभी जो आपकी अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी होंगी क्लिनिक के थ्रू, राइट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनका आपको ध्यान रखना है अपना क्लिनिक खोलने से पहले। एक बार क्लिनिक खोल लिया है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको आप इंप्रूव भी कर सकते हो। बट अगर अभी तक आपने अपना क्लिनिक नहीं खोला है तो इन चीजों का आप जरूर से ध्यान रखना और क्लिनिक खोलने से पहले इन चीजों को जरूर एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।